गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून ही हो रही है, टाइम हो रहा है अभी 3:51 भाई। और अभी ना गाड़ी के किसी काम से जा रहे हैं, रात में निकलना है ट्रिप के लिए। तो भाई अभी हम जा रहे हैं कहाँ, अभी थोड़ा सा इसमें एसी का काम है और बाकी ना इसके हॉर्न भी ख़राब हो गए, हॉर्न चेंज करवाना है। तो जहाँ भी जाते हैं चलो अब आपको ना आगे दिखाएंगे भाई, और धीरे धीरे इसमें सारा काम करवा लेना, काम करवाने के बाद भाई गाड़ी ठीक हो जाएगी। और ना भाई इसके ना इस वाले स्विच में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बटन फंस रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर ना डस्ट वस्ट चली गई होगी, क्योंकि गाड़ी ना कुछ दिन खड़ी रही थी तो डस्ट वस्ट अंदर चली गई। तो देखा हूँ अगर इसको भी ये भी ठीक हो जाए, क्यों भाई हो जाएगा ठीक? इंशाल्लाह हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो चलो भाई चल रहे हैं, पहले मार्केट पहुँचते हैं फिर मैं आपको दिखाऊँ। भाई ये आसिम हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है आसिम भाई, जा रहे हैं हम। ओके बाय बाय। और भाई ये मेरी गाड़ी देख के ना जलता है भाई, नहीं जलता भाई। जलता है, जलता अरे भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो हेलो गाइस, भाई अभी ना हम थोड़ा काम से आ गए थे भाई, हम शादरा की तरफ आ गए थे भाई दिल्ली में, और आज रात को हम निकल रहे हैं ट्रिप पे। और भाई गाड़ी का ना कोई भी काम नहीं हो पाया ना, मतलब कल अलाइनमेंट बैलेंसिंग का तो काम हो गया था, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, आने लगी थी भाई, हो नहीं पाया ढंग से काम, मतलब हो क्या नहीं पाया, मतलब वो जब कर रहे थे ना तो मैं ही थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहा था कि भाई ठीक होगा। तो जो भी है ना थोड़ी सी मेरी गलती होगी, मेरी गलती की वजह से भाई वो सही नहीं कर पाए। अब वो बोल भी रहे थे भाई मेरे से, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भाई आ जाना आप, मैं कर दूंगा। तो भाई कोई बात नहीं, अब हमें तो हमारे काम होने से मतलब है, तो भाई काम भी हो जाएगा, लेकिन इसमें भी दिक्कत आ गई। और जो भाई बाकी और जो काम करवाने थे ना, जैसे एक ना इसका रेडिएटर थोड़ा सा चौक है, गंदगी चली गई होगी भाई, उस वजह से ना रेडिएटर चौक है, वो भी सही नहीं हो पाया, उसमें भी 3-4 घंटे लगेंगे। तो भाई अभी देखते हैं, हम ना अभी पास में इसलिए जा रहे हैं ताकि इस गाड़ी को टेस्ट कर लें, उसके बाद हम इससे 1,000, 2,000, 5,000 तक किलोमीटर तक की अपनी वो करेंगे भाई, अब मतलब ट्रिप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी ट्रिप इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इस गाड़ी के बारे में पता चल जाए, इसमें कमियां क्या है, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। तो चलो भाई अब फिलहाल तो घर के तरफ निकल रहे हैं, और मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली थी भाई। और पैकिंग हो जाने के बाद अब मैं घर से सिर्फ सामान उठाना है और फिर जाना है वो। और देख रहे भाई हमने अभी भी तो भाई अब पहुंचने वाले हैं हम अपने फर्स्ट टोल पे। और भाई एक चीज हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है भाई? फास्ट टैग नहीं है हमारे पास, और रास्ते में बनेगा भी नहीं, और अब डबल पे करते हुए जाना होगा। वैसे हमारे लगते हैं 800 रुपए, और अब ऋषिकेश तक पहुंचेंगे तो हमारे लगेंगे कितने, 1600। तो भाई देखते हैं क्या होता है। और मुझे लग रहा था ये वाला टोल ये वाला है, लेकिन अभी टोल रह गया है, दूर रह गया है। कितनी दूर रह गया भाई? 20 किलोमीटर। और अभी क्या हो रही है, क्या हो रही है? रात हो रहा है, दिन हो रही है, क्या हो रहा है? रात हो रही है, नाइट, गुड नाइट। ठीक है, तो फाइनली भाई हम मेरठ एक्सप्रेस वे पार करके पहुंच गए अपने वाले टोल पे। और भाई हमारी गाड़ी का ना तो वो नहीं था, फास्टैग था ही नहीं भाई, क्योंकि अभी लिए आपको पता ही है भाई। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था रात में होगा नहीं, लेकिन भाई यहाँ खड़े मिल गए। भाई भाई क्या नाम है आपका? बॉबी वर्मा नाम है भाई। वर्मा नाम क्या भाई, दोबारा से बताओ। बॉबी वर्मा नाम। बॉबी वर्मा भाई नाम है भाई। रात को मिल जाएंगे, और अभी टाइम देख रहे हो भाई 1:40 हो रहे हैं। और भाई भी यहीं पर रहते हैं, ये रहा इनका वो गाड़ी, ये और ये खड़ी इनकी गाड़ी भाई। तो अगर किसी को ये भाई भी बनाते हैं, तो इनका भी नाम बता दो भाई। ये विशी चौधरी भाई, और मैं अटक रहा हूँ भाई क्योंकि रात हो गई, खाना कुछ खाया नहीं है। थल्ली कुमार। भाई क्या नाम है आपका? नीरज कुमार भाई का नाम है। और भाई आप फास्टैग का ही काम करते हैं भाई? ये सारे भाई वही करते हैं। और दो तो भाई मिल गए हमारे सारे, और ये रहा फास्टैग। मैं अभी रास्ते में बताते हुए आ रहा था ना, फास्टैग मिलेगा नहीं, ये मिल गए। भाई का नाम बॉबी है। भाई आपका नाम क्या? नीरज कुमार। नीरज कुमार भाई आपका नाम? आदेश कुमार। आदेश कुमार भाई? सन्नी नायक।
सन्नी भाई और भाई विशु भाई। तो भाई ये रात भर खुला रहता है या कैसे? रात भर खुला रहता है, कभी भी आओ भाई। हाँ भाई, 24 घंटे मिलेंगे भाई। और भाई भाई का नंबर, और भाई का नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फोन करना हो फोन कर लेना, 1 घंटे पहले कर लेना। इधर उधर भी हुए ना भाई चांस, भाई खाना वाना खाने जाएंगे इधर उधर हुए तो मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे रात का। भाई रात का तो ऑटो वाले को भी देते हो, तो भाई भाई का तो बनता ही है, पूरी रात यहाँ खड़े हुए हैं। तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, लेकिन बन जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं होगी। और जिस बैंक का बनाना चाहो उसका बनवा लेना, ठीक है भाई? तो शुक्रिया भाई, ठीक है भाई, थैंक यू। चलो भाई थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चलो ठीक है भाई, गाड़ी का बन गया और अभी लगाएंगे नहीं, देखते हैं। ये वाला बन गया फास्टैग हमारा, पेटीएम का बनवा लिया और पेटीएम में सारे पैसे वैसे भी ऐड कर दिए हैं। अब ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन थी, वो टेंशन होगी ख़त्म। और अब दूसरी टेंशन है इन भाई को, इनको जाना है लू। तो भाई आगे जाके मतलब हाईवे से उतरते ही 2-4 ढाबे वाबे हैं, वॉशरूम है वहाँ पे, तो वहाँ रुकते हैं और फिर उसके बाद सीधा रुकेंगे हम अपनी फेवरेट प्लेस। और वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेगा एक जंगली आदमी जो हमारे साथ पहले आता था ना भाई, वो वाला आदमी मिलेगा, तो उनसे मिलवाता हूँ। ट्रिप नहीं होगी, देखते हैं नेक्स्ट मंथ। हाँ? नहीं नेक्स्ट मंथ का तो मैं एक जगह का बना रहा हूँ, चलोगे तो बताओ। अब तुम्हारे लिए भाई ये तुमने ये मुझे झोटा भी दिलवा दिया, इसमें चलेंगे भाई, चलोगे नहीं चलोगे? हाँ तो भाई शादी के बाद इतना बदल कैसे गए आप? मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी चलने में कैसी है? ये चलने में भाई बिंदास है, बस छुटपुट थोड़ा बहुत और काम रह गया, वो भी ठीक हो जाएगा। बताओ भाई अगला प्लान होगा नहीं होगा हमारे साथ, या चैनल लक्की के बिना चलेगा? अगले महीने चलना है। हाँ। कुछ अलग ही जगह। हाँ तो बोल दो एक बार, बोलो भाई क्या बोल रहे। तो भाई लक्की भाई के पास से निकल के अब वहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि भाई डेस्टिनेशन क्या है ये मेरे को पता नहीं है। ये हमारे स्पॉन्सर्स लेके जा रहे हैं और स्पॉन्सर बैठे हुए हैं पीछे, सो रहे हैं भाई। तो अब ये देख रहे हो गूगल मैप कहाँ ले आया, गूगल बाबा हमें ले आए सुनसान रास्ते पे भाई। तो अभी हाईवे टच करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये थोड़ा गलत रास्ता है भाई, अगर आदमी फर्स्ट व्यू आ गया माउंटेन का और दिन निकल गया है। और दिन निकलने के बाद सबसे पहले चेहरा दिखाया जाता है बाबा का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। भाई यहाँ से लगेगा हमें 1 घंटा पहुँचने में ऋषिकेश, और फर्स्ट स्टॉप वहाँ लेंगे और उसके बाद आगे का देखेंगे, आगे जाते हैं नहीं आते। लेकिन जो भी फर्स्ट स्टॉप आएगा वो पहले लेंगे हम ऋषिकेश का। तो फाइनली भाई ऑफ रोडिंग होगी स्टार्ट, और सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है भाई बारिश वारिश की वजह से, और ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया भाई, शिवपुरी आ गया। और भाई कावड़ के वजह से ना थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो अभी कुछ दिन तो यहाँ आना अवॉइड करें, बाकी फिर आगे कर दी। तो भाई ऋषिकेश पहुँचने के बाद सो गया था, सोने के बाद कर लिया है स्विमिंग, देख रहे हो भाई। अब जाके डिनर नहीं लंच करेंगे, लंच करने के बाद भाई देखो दादा भी आ गए। दादा से हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाउ डू यू डू? मजा आ रहा है एकदम, फुल मजा, बारिश फुल एंजॉय, और हम पूल में नहा रहे हैं। व्यू भाई, वाओ वेरी नाइस व्यू। अभी भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, बारिश में भी नहा लिया, और अब जाएंगे क्या करना है, लंच करना है। लंच करने के बाद अब कपड़े वपड़े बदलते हैं, फिर सोएंगे भाई, फिर उसके बाद अगर कहीं ट्रैकिंग व्रैकिंग पे जाएंगे तो दिखाते हैं, वरना तो सो जाएंगे भाई। और जैसे भी होगा आपको आगे दिखाता हूँ।
भाई सो के उठने के बाद बीच जाके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये आ रहे भाई और ये रहा भाई हमारा रिजॉर्ट, अपना रिजॉर्ट है। थोड़ी देर में डिनर के लिए आना है, उसके बाद भाई मिलते हैं। अभी ये गेस्ट तो बहुत सारे हैं, हमारा होने वाला रूम हमारा है। देख रहे पार्टी वार्टी चल रही है लोगों की भाई। तो चलो भाई चल रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। मतलब बाकी व्यू तो ना काफ़ी अच्छा है, उधर व्यू दिखाऊंगा बाद में आपको। भाई किस किस के टेंट में जाग रहे हो? अपना वो वाला है कोने वाला। भाई हालत देख रहे हो, स्विमिंग पूल में वो करने के बाद शैम्पू वैम्पू लगा लिया था और ड्रायर लगाया नहीं है, इसलिए हो गए बाल ऐसे। और वो रूम भाई स्विमिंग पूल नीचे, कल दिखाऊंगा लाइट जल रही है इसके पास। और भाई देखो मतलब जितने भी आउटलाइन नज़र आ रही है ना, ये सारे माउंटेन्स हैं हमारे। और दे रहा भाई हमारा कॉटेज। और भाई अब चल, अब ना सोने जा रहे हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई कल वहाँ जाएंगे हम अपने, उसके लिए नीचे जाएंगे ट्रैकिंग व्रैकिंग करेंगे भाई, तब दिखाता हूँ। और भाई अभी भी देख रहा हूँ कितना बढ़िया लग रहा है रिजॉर्ट। भाई अपने भाई का ही है, मैं आपको इसका नंबर वंबर बताऊँगा, यहाँ आ जाना, डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। और भाई अभी भी ना रात में व्यू देखो भाई, बहुत तगड़ा आ रहा है। और भाई जितने भी हैं सारे के सारे कॉटेज फुल हैं अभी तो, और दिन में बारिश भी आई थी भाई। तो चलो भाई अब कल मिलते हैं भाई, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।